नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू वॉइस में। हम देखेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है, इसमें मामला है ईरान को लेके। ईरान लगातार मिडिल ईस्ट पे अपना प्रभाव बना रहा है, कभी ये ड्रोन से अटैक करता है सीरिया इराक पे, कभी हाउथी को समर्थन देता है, इस बार इसने पाकिस्तान पे ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया है। तो ईरान लगातार अपना मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से प्रभाव बना रहा है, इसे लेकर अमेरिका भी अपनी सैन्य जो सैनिक हैं उसको मजबूत कर रहा है और गठबंधन को भी तैयार कर रहा है। पुनः जो पाकिस्तान और ईरान के बीच है, मामला गर्मा गया है एक बार एयर स्ट्राइक ड्रोन को लेके। इसमें कुछ शब्द आएंगे जो आपको नोट करना है और मैपिंग में लोकेट करना होगा। तो करंट अफेयर है ईरान के आसपास घूमता हुआ, इसमें ईरान, पाकिस्तान, चीन, क्या बोलेंगे, ईरान पाकिस्तान चीन से संबंधित पूरा ओवरऑल एक व्यू है, कंसेप्ट है, इसको अंडरस्टैंड करना होगा। देखिए, ईरान और पाकिस्तान ये दोनों हमदर्द हैं, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे को लेके इन दोनों में हमेशा टकराव होते रहता है। ईरान पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के पार्टनर है, सहयोगी है इंटरनेशनल मंच पे, और कोलैबोरेशन भी करते रहते हैं, लेकिन समय समय पे आतंकी संगठन को लेके मामला गर्माता है, अर्थात एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। जो अभी न्यूज मिल रहा है, इसमें पाकिस्तान ने ईरान के जो दूतावास है उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, और अपना जो दूत है वो अभी ईरान से बुला लिया है। ठीक है, अभी कुछ समय पहले जो था, इराक ने ईरान के जो राजदूत है उसको बाहर निकाल दिया था, तो एम्बेसडर को बाहर कर दिया इराक ने। कारण था कि ईरान ने इसमें इराक पे एयर स्ट्राइक किया था। ठीक इसी तरीके से मामला आ रहा है कि राजदूत को लेके तनातनी है, निकाल रहे हैं, और अलर्ट भी दिया हुआ है, वार्निंग भी दिया हुआ है पाकिस्तान ने ईरान को। मामला है आतंकी संगठन के आसपास घूमता हुआ। देखिए, ईरान ने पाकिस्तान की कब कब मदद की है, किस तरीके के हमदर्द हैं, दोस्त हैं। 1965 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था, इसमें ईरान ने पाकिस्तान को फुल समर्थन दिया। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। पुनः 1971 के युद्ध में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, फिर से ईरान ने पाकिस्तान की मदद किया। समय समय पर जो है ईरान पाकिस्तान की मदद करते रहता है, और बदले में पाकिस्तान भी ईरान की मदद करता है। पाकिस्तान जो है ईरान की कैसे मदद करता है, जैसे इराक और ईरान युद्ध हुए थे, तो इराक ईरान युद्ध में पाकिस्तान ने ईरान की मदद की थी, तो पाकिस्तान ईरान की मदद करता है। फिर इसी तरीके से जब भी ईरान और सऊदी अरबिया इन दोनों के बीच हमेशा तनातनी बने रहती है, ईरान सऊदी अरब के बीच, तो इसमें मीडिएटर का काम करता है, मध्यस्थता का काम करता है पाकिस्तान, दोनों के टेंशन को कम करने की कोशिश करता है। और जब ईरान और पाकिस्तान के बीच टेंशन होते हैं, क्या बोलेंगे, ईरान और पाकिस्तान, तो इसके बीच टेंशन कौन दूर करे। ईरान पाकिस्तान के बीच कट्टर शत्रुता होगी तो सऊदी अरब मध्यस्थता कर नहीं सकता। सऊदी अरब मध्यस्थता इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सऊदी अरब ईरान का शत्रु है। पुनः जो है इराक समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि इराक ईरान में हमेशा नहीं बनता है। इस स्थिति में फिर आता है रोल चीन का। तो दिख रहा है एक जटिल टाइप का जियो राजनीतिक, जिसको भू पॉलिटिक्स बोलते हैं। मिडिल ईस्ट की राजनीतिक बहुत टफ है, आतंकवाद तो हर जगह है, उस इलाके में जगह जगह हर कंट्री पालते हैं पोसते हैं, कभी सुन्नी आतंकी संगठन, कभी सिया आतंकी संगठन, कभी ISI, कभी अलकायदा, कभी तालिबान, कभी मुजाहिदीन, कभी लश्कर ए तैयबा जैश मोहम्मद, कभी हाउती, कभी कुर्दिस्तान, ऐसे अनगिनत आतंकी संगठन पूरा मिडिल ईस्ट में है। कहीं पर ईरान के द्वारा समर्थित है, कहीं पाकिस्तान के द्वारा, कहीं सऊदी अरबिया के द्वारा, तो इतना टफ जियो पॉलिटिक्स है कि उस इलाके में कभी भी शांति नहीं रहती, स्थिरता नहीं रहती, और हमेशा से मिडिल ईस्ट को लेके जो वर्ल्ड सुपर पावर हैं वो एक मंच पे आ जाते हैं, युद्ध की स्थिति बन जाती है। लेकिन हमारा भी टोटल फोकस करना है ईरान और पाकिस्तान के रिलेशन को लेके,
और थोड़ा सा इसमें चाइना का रोल, और फिर भारत के साथ इसको हमको एक संबंध बनाना है। तो देखिए, ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पे, अब है पाकिस्तान में एक बलूचिस्तान प्रांत है। तो पाकिस्तान का एक बार मैप देख लीजिए आप। हमारा जो ये गुजरात स्टेट है, ये गुजरात स्टेट से आप आके ऐसे करेंगे, ये ऐसे करके जो चलते हैं तो पाकिस्तान आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके ऊपर अफगानिस्तान दिखाई देगा और ऐसे करके ईरान दिखाई देंगे आपको। तो इस साइड में तो आपके बढ़ जाएंगे अफगानिस्तान, और ये जो जाएगा आपका तो ईरान। पाकिस्तान का वह इलाका क्या कहलाता है आपका, तो एक नाम आता है यहाँ पे बोलेंगे कि बलूचिस्तान। गुजरात है, गुजरात से लगा हुआ सिंध का इलाका, इसके बाद ये वाला पूरा इलाका आपको दिखेगा बलूचिस्तान। ध्यान से देखना, आपको बलूचिस्तान कभी भी शब्द आता है पूछ सकता है बलूचिस्तान कहाँ पे लोकेट करने के लिए मैपिंग में। तो पाकिस्तान का एक प्रांत है, ठीक है। पाकिस्तान में भी उसी तरीके से स्टेट हैं जिस तरीके से भारत में स्टेट हैं। भारत में अलग अलग स्टेट हैं, तो पाकिस्तान में भी प्रांत हैं अलग अलग। इसमें से एक बलूचिस्तान प्रांत है, बलूचिस्तान से सटा हुआ क्या बोलेंगे सिंध प्रांत है, एक लाहौर प्रांत है। तो ऐसे करके एक प्रांत है, वह है प्रांत का नाम बलूचिस्तान। यह बलूचिस्तान एक साइड में अरब सागर को टच करता है, क्या बोलेंगे अरब सागर को टच करता है, इसके नीचे में अरब सागर है। एक साइड में टच करता है ईरान को, दूसरे साइड में अफगानिस्तान को। पहले तो ये लोकेट करेंगे आप कि पाकिस्तान का एक ऐसा प्रांत बलूचिस्तान जिसकी बॉर्डर है अरब सागर, ईरान और अफगानिस्तान। यहाँ पे बिल्कुल अलग कल्चर के लोग रहते हैं, इनकी भाषा संस्कृति बिल्कुल अलग है। भाषा में क्या है बलूचिस्तान में कि बलूची भाषा बोला जाता है, बलूची, पुना पश्तो, दारी लैंग्वेज, ये तीन अलग अलग भाषाएं चलती है। मोस्टली बलूची भाषा चलती है बलूचिस्तान में। जो बलूचिस्तान है प्राकृतिक संसाधन से संपन्न है, क्या बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। इस नेचुरल रिसोर्स में भी सबसे अधिक गैस है, पाकिस्तान का सारा गैस ऑलमोस्ट इसी बलूचिस्तान से ही जाता है। अर्थात बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का ही प्रांत है, लेकिन सारा गैस जाता है, प्राकृतिक संसाधन से संपन्न है। उसके बाद भी पिछड़ा हुआ है, पर कैपिटा इनकम जो है $1,500 से भी कम है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में गरीबी बहुत अधिक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, कुल पाकिस्तान के क्षेत्रफल का 44% है। कितना बोलेंगे 44% क्षेत्रफल है पाकिस्तान का। ये जो बलूचिस्तान है कभी एक बार रियासत हुआ करता था, ये किस पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं मिलना चाहता था, इसको फोर्सफुली पाकिस्तान में मिलाया गया है, क्योंकि भाषा अलग है, संस्कृति अलग है। यहाँ पे उर्दू भाषा नहीं चलते हैं, एक साइड ईरान में फारसी भाषा चल रहे हैं, दूसरी साइड पाकिस्तान में उर्दू भाषा चलते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच वाला क्षेत्र ऐसा है जहाँ बलूची, पश्तो, डारी जैसे भाषा चल रहे हैं। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहता था, फोर्सफुली इसको पाकिस्तान ने अपने अंडर में मिलाया, और जो है रिजल्ट ये, यहाँ के जो लोग हैं असंतोष के कारण, लोगों में जो असंतोष जन्म हुआ उससे इन्होंने एक गुट बनाया, आतंकवादी गुट। वो सेपरेटिस्ट हैं, अलगाववादी हैं, जो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राष्ट्र चाहते हैं पाकिस्तान से। तो स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं बलूचिस्तान नाम का, एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो पाकिस्तान से हटके। तो इसमें कुछ क्षेत्र पाकिस्तान का आता है, कुछ ईरान का भी शामिल है। तो पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र मिला के, तीन क्षेत्र हो गए, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों को मिला के एक बलूचिस्तान नया कंट्री बनाना चाहते हैं। इसके लिए हथियारबंद गिरोह हैं, आतंकवादी संगठन के रूप में पाकिस्तान ने घोषित किया कई बलूची आर्मियों को और लोगों को। इसी तरीके से ईरान भी टारगेट करते रहता है इन बलूची आतंकवादियों को, और समय समय पर ऑपरेशन चलाते रहता है, मिसाइल से अटैक, ड्रोन से अटैक करता है। अब रिजल्ट है वो पाकिस्तान जो आतंकवाद को संरक्षण देता है, भारत पे टेररिस्ट अटैक करवाता है, अब खुद ही टेररिस्ट की चपेट में है।
देखिए ये जो बलूचिस्तान है इसका स्ट्रेटजिक महत्व बहुत अधिक है। बलूचिस्तान में ही चीन के द्वारा ग्वादर बंदरगाह बनाया जा रहा है। ग्वादर क्या बोलेंगे, ग्वादर बंदरगाह, एक नाम आता है ग्वादर बंदरगाह, चाइना बना रहा है। ये है मकरान तट के पास अर्थात बलूचिस्तान में ग्वादर। इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन के कारण ये एक बार फिर से हाईलाइट हो गया है वर्ल्ड में, समय समय पर हाईलाइट होते रहते हैं। क्योंकि जो इसका स्ट्रेटजिक लोकेशन है बलूचिस्तान का, यहाँ से बलूचिस्तान के जरिए आप सऊदी अरब जा सकते हैं, अर्थात अरब वर्ल्ड बोलेंगे, अरब क्षेत्र में जा सकते हैं। इसी बलूचिस्तान से आप सेंट्रल एशिया जा सकते हैं, मध्य एशिया, तो मध्य एशिया भी जा सकते हैं, अरब क्षेत्र भी जा सकते हैं, साथ साथ इसी बलूचिस्तान के जरिए भारत भी एंट्री होता है। तो ऐसे लोकेशन पे है ये ग्वादर, जहां से भारत कनेक्ट होता है, मिडिल ईस्ट कनेक्ट होते हैं और सेंट्रल एशिया कनेक्ट होते हैं। तो तीन क्षेत्र कनेक्ट करता है इसका, एक संगम पॉइंट पे है बलूचिस्तान, राजधानी है क्वेटो, क्वेटा। तो ये है कुछ मामला कि यहाँ पे सेपरेटिस्ट आतंकवादी गुट हैं, इसी गुट पे ईरान अटैक करता है। ईरान के अटैक का कारण ये है कि बलूची जो आर्मी है और इसके अंदर में भी बहुत सारे आतंकी संगठन है, इसमें एक आतंकी संगठन है देखिए जैश अल अदल अर्थात जस्टिस, आर्मी ऑफ जस्टिस, आर्मी ऑफ जस्टिस। तो ये एक आतंकी संगठन है, क्या बोलेंगे, बलूचिस्तान में जो बलूची लोगों ने बनाया है जैश अदल, इसको ईरान बोलता है आतंकी संगठन है। ये जो आतंकी संगठन है सुन्नी आतंकी संगठन है, क्या बोलेंगे, सुन्नी आतंकी संगठन। ये जो सुन्नी आतंकी संगठन है जो ईरान है, ईरान का बॉर्डर पुलिस, क्या बोलेंगे, बॉर्डर पुलिस। देखिए ईरान को टच करता है बॉर्डर, तो यहाँ पे बॉर्डर की सिक्योरिटी करती है ईरान की एक पुलिस, तो उसे बोलते हैं बॉर्डर पुलिस। इस बॉर्डर पुलिस की हत्या ये सुन्नी आतंकी संगठन करते हैं। इसका जवाब ईरान एयर स्ट्राइक के जरिए, ड्रोन के जरिए देता है, बमबारी करता है बलूचिस्तान में, कभी मस्जिद को टारगेट करता है, कभी घरों को टारगेट करता है। इस स्थिति में पाकिस्तान का एयर स्पेस क्या है, पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है उसका उल्लंघन होता है और बिना पाकिस्तान से पूछे हुए ऐसा करके वो स्ट्राइक कर रहा है। तो पाकिस्तान को इस बात से बार बार लगता है कि अब पाकिस्तान को कोई भी अटैक कर रहा है। एक साइड में भारत जैसा देश अटैक करता है, दूसरे देश दूसरी ओर पाकिस्तान जैसा, सॉरी ईरान जैसा देश अटैक कर रहा है, और कभी अमेरिका के अटैक कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का एयर स्पेस का उल्लंघन होता है ऐसा पाकिस्तान का कहना है, और पाकिस्तान ने ईरान को वार्निंग दी है कभी ऐसा होगा तो इसका जवाब हम प्रतिशोध से देंगे, हम भी रिटेलिएट करेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, ड्रोन स्ट्राइक करेंगे। रिजल्ट ये है कि जो देखिए मामला क्या है, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, न्यूक्लियर पावर कंट्री है, और ईरान इस पे भी डाउट जाता है कहीं इसके पास न्यूक्लियर वेपन तो नहीं है, कहीं कोरिया के द्वारा या चाइना के द्वारा इसे न्यूक्लियराइज तो नहीं किया गया है, क्या इसके पास न्यूक्लियर वेपन है, इसको लेके टेंशन और बढ़ता है। जब भी दो परमाणु संपन्न राष्ट्र टकराते हैं तो हमेशा अगल बगल की कंट्री और विश्व के जो सुपर पावर हैं उनके लिए टेंशन रहता है, पूरा क्षेत्र में अशांति बनी रहती है, अस्थिरता, एक डर बना रहता है। तो पाकिस्तान ने भी ईरान को बोला है कि अगर अब दोबारा ऐसा हुआ तो हम भी रिटेलिएट करेंगे। ईरान में कुछ समय पहले 90 लोग मारे गए थे, जस्ट कुछ समय पहले की बात है कि ईरान में 90 लोग मारे गए थे। तो इसी का जवाब ईरान ने दिया स्ट्राइक करके, क्योंकि ईरान का कहना था ये बलूची आतंकी हैं जो समय समय पर हमारे बॉर्डर पुलिस की तो हत्या करते ही हैं, और अभी 90 लोगों को बम विस्फोट में मार दिया, तो इनको सबक सिखाना जरूरी है, इनका पूरा नेटवर्क को ध्वस्त करना जरूरी है। और ये आतंकवादी जो बढ़ रहे हैं इसका कारण इसने सऊदी अरब को बताया है। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए सऊदी अरब की भूमिका,
जो सऊदी अरब है अब इसका नाम आ रहा है ईरान, और सऊदी अरब इंटरनेशनल मंच पे हमेशा प्रतिस्पर्धी हैं, इस्लामिक वर्ल्ड पे कब्जा करना चाहते हैं। इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे आप, ईरान और सऊदी अरब। तो ईरान क्या है? सिया कंट्री है, सिया मुस्लिम कंट्री है, और ये सुन्नी मुस्लिम कंट्री है। दोनों ही इस्लामिक वर्ल्ड अर्थात जितने भी इस्लामिक कंट्री है उस पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, लीडरशिप करना चाहते हैं। तो ऐसे करके सिया सुन्नी विवाद हमेशा छिड़ता है। तो ईरान का कहना है कि पाकिस्तान सुन्नी आतंकी संगठन को जन्म देता है, सुन्नी आतंकी संगठन को जन्म दिया, और इस सब के पीछे सऊदी अरब है, फंडिंग करना, हथियार देना, ये सब। अर्थात पाकिस्तान को भारी मात्रा में सऊदी अरब फंडिंग कर रहा है ताकि पाकिस्तान एक सुन्नी आतंकी संगठन बना ले, और ये सुन्नी आतंकी संगठन जो है ईरान पे अटैक करे, बार बार ईरान पे अटैक करे, ईरान कमजोर हो जाए, अस्थिर हो जाए, या सुन्नी आतंकी संगठन से हमेशा उसका टकराव होते रहे, उलझे रहे। ऐसे में सऊदी अरब और मजबूत होते चला जाएगा। पुनः इधर पाकिस्तान और ईरान ने काफी सारा जो है एक्सरसाइज एक साथ किया हुआ है। अभी इनका एक्सरसाइज है, एक साइड तो ये घटना है, दूसरी है कि फारस की खाड़ी में एक्सरसाइज होने वाले हैं, नेवल एक्सरसाइज। तो एक साइड मिलिट्री डील भी चला रहे हैं ईरान और पाकिस्तान दोनों, और दूसरे साइड ऐसी घटना हो रही है। अब देखिए यहाँ पे जब मामला ईरान और पाकिस्तान का आता है तो ये दोनों पड़ोसी हैं। जब भी तनातनी होती है तो बीच में चीन, ये चीन मध्यस्थता का काम करता है। चीन नहीं चाहता कि ईरान और पाकिस्तान किसी भी तरीके से टकराव हो, इन दोनों को हमेशा एकजुट बनाए रखना चाहता है, मिडिल ईस्ट पे अपना प्रभाव जमाए रखना चाहता है। और ईरान जो है यही आपके बलूचिस्तान का ग्वादर बंदरगाह का विकास कर रहा है। जो ग्वादर बंदरगाह है उसका निर्माण कौन कर रहा है? तो चीन कर रहा है, भारी मात्रा में बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बंदरगाह बना रहा है। और चाइना जो है वन बेल्ट वन रोड, क्या बोलेंगे इसका जो प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट और वन रोड, अर्थात सिल्क रूट। प्राचीन सिल्क रूट अगर हिस्ट्री के किताब में पढ़ेंगे, एक सिल्क रूट था, एक जो है रेशम मार्ग हुआ करता था प्राचीन काल में, रेशम मार्ग जो चीन से यूरोप की ओर वस्तु जाते थे, इस मार्ग से जाते थे, भारत के उत्तर से गुजरता था। तो सिल्क रास्ते को फिर से ये क्या कर रहा है चाइना, एक बार दोबारा बना रहा है। ये पूरा प्रोजेक्ट का नाम है वन बेल्ट वन रोड, इसमें ये ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन डॉलर। और ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें क्या कर रहा है, गैस पाइपलाइन का निर्माण, गैस पाइपलाइन हो, संचार नेटवर्क हो, ट्रेन हो, फिर जल मार्ग, शिपिंग, बंदरगाहों का निर्माण, सारा चीज इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। तो बीजिंग से ट्रेन चलेंगे, बीजिंग से ट्रेन चल के फिर सेंट्रल एशिया होते हुए रसिया उसिया होके सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ग्वादर बंदर तक आएंगे। पुनः और भी इसके ब्रांच है, जो वन बेल्ट वन रोड है इसके दोनों ब्रांच, स्थल मार्ग, जल मार्ग, और कैसे भी करके पूरा मिडिल ईस्ट, क्या बोलेंगे जो मिडिल ईस्ट है अर्थात जो अरब क्षेत्र है, यहाँ पे चीन का दबदबा हो जाए, सारा चीनी प्रोडक्ट बिके, सारा सामान चाइना का हो। तो चाइना एक बाजार भी देख रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। और ऐसे में जब ये पूरा मामला घटना घटता है आतंकवाद को लेके, अस्थिरता को लेके, और जो चीन के सहयोगी हैं तो चाइना को लगता है कि उसका पूरा इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएंगे। काफ़ी सारे जो चीनी जो वर्कर हैं, साइंटिस्ट हैं या फिर इंजीनियर, वो मारे जाएंगे आतंकवादियों के द्वारा, किडनैप किए जाएंगे। और ओवरऑल जो इसका वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है जिसमें बिलियन डॉलर लगे हुए हैं, ध्वस्त हो जाएंगे, चाइना को डर लगता है। तो चाइना हमेशा शांत कराता है ईरान पाकिस्तान को। उधर सऊदी अरब, यूएई, कतर, कहीं भी किसी भी कंट्री में विवाद हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में तो चाइना जरूर इंटरफेयर करके शांत करा रहा है। और ऐसा करके वह अमेरिका अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, वो यूएस, यूएस को बाहर करना चाहता है, कैसे भी करके मिडिल ईस्ट से अमेरिका को बाहर कर दे। दूसरी ओर अमेरिका भी पूरी दमखम के साथ मिडिल ईस्ट पे अपना प्रभाव बना रहा है।
अब इन सब मामले में चाइना का समर्थन करता है रूस, तो अमेरिका, रूस, चीन सारे सुपर पावर देखे तो एक छोटे से विवाद में मिडिल ईस्ट में उतर आते हैं। अब भारत जो है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या भारत में ऐसा क्या होगा कि अगर ये संघर्ष है तो इफेक्ट हो जाए। तो देखिए भारत, थोड़ा सा इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो भारत है, भारत को तेल चाहिए और गैस, साथ ही मध्य एशिया में जो सेंट्रल एशिया हो या अफगानिस्तान हो, तो भारत को प्राकृतिक संसाधन भी चाहिए, विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे यूरेनियम। तो ये सारा सेंट्रल एशिया में मिलता है तेल, गैस और यूरेनियम जैसे, साथ में मिडिल ईस्ट में भी तेल और गैस मिल रहे हैं। तो भारत क्या है, ऐसे जगह पे है जहां के जरिए सिर्फ पहुंच रहे हैं भारत के पास। अगर अरब सागर में अस्थिरता, मिडिल ईस्ट में अस्थिरता होती है, तो भारत के जो शिपिंग इंडस्ट्री है और भारत के जो व्यापारी रहते हैं, इनके लिए खतरा पैदा हो जाता है। जहाजों पे अटैक, अपहरण, तो क्या होगा, जहाजों पे आक्रमण, अपहरण, व्यापारियों का, इन्वेस्टरों का अपहरण, नागरिकों का अपहरण। तो भारत का तो एक हित है हर तरीके से, और तेल और गैस जैसे चीज जो है, ये भारत इस पे पूरी तरीके से बाहरी कंट्री पे ही निर्भर है, खासकर मिडिल ईस्ट एनर्जी को पूरा करता है। तो ऊर्जा सुरक्षा जैसा मामला भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरा इलाका जो है एक आतंकवाद की चपेट में है, अस्थिरता है, शिया सुन्नी विवाद अलग है, ईरान और सऊदी अरब का टकराव, ईरान अमेरिका टकराव अलग से है, पुनः तुर्क कुर्दिस्तान एक नाम आ रहा है जो आतंकी संगठन है और अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं। तो इतना जटिल हो जाता है भू राजनीतिक कि भारत का हित जो है प्रभावित होता है। भारत चाहता है बैलेंस में रहे, और चीन का जिस तरीके से प्रभाव बढ़ते जा रहा है, चाइना चीन का प्रभाव, तो भारत को एक अलग से चुनौती मिलती है चीन से। कहीं भविष्य में ऐसा ना हो कि भारत सेंट्रल एशिया पहुंच ना पाए, इसका रास्ता ब्लॉक हो जाए, एक बड़ा सा बाजार खो सकता है या यूरेशिया वाला एक बड़ा सा इलाका खो सकता है। तो एक बड़ा इलाका कहीं भारत यहाँ से ना गुजर जाए, तो ये बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न हो रही है। तो चीन का तो प्रभाव अलग से है, आतंकवाद अलग से है, आतंकी संगठन अलग से है, देशों के बीच टकराव अलग से है, नाभिकीय हथियार अलग से हैं। कुछ कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण से भारत का हित जो है प्रभावित रहता है, या फिर यहाँ के लोग या सरकार क्या रहती है, सचेत रहते हैं छोटे से छोटे बात को लेकर। अब वहाँ पे ईरान और इजराइल अलग से विवाद है, लगातार चल रहे हैं। तो लाल सागर में अटैक हो रहे हैं एक साइड, पुनः फारस की खाड़ी वाला इलाका और अब बलूचिस्तान वाला इलाका, उधर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार, इधर से चीन का वन बेल्ट वन रोड, ग्वादर जैसे बंदरगाह, इधर अमेरिका सैनिकों की भारी मात्रा में मिडिल ईस्ट में तैनाती, फारस के क्षेत्र में तैनाती। तो मामला काफी जटिल है। फिलहाल एक छोटा सा था ओनली समझने के लिए कि मामला क्या, ईरान, पाकिस्तान, चीन और भारत। बस बने रहिए टूडू एस में, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।